मध्य प्रदेश के देवास जिले में ऑपरेशन व्रज के तहत गुंडागर्दी करने वाले बदमाशों और आदतन अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। औद्योगिक थाना पुलिस ने ब्याज पर रुपए देने के मामले में मारपीट कर धमकी देने को लेकर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों के खिलाफ कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। 1 दिसंबर को अभी 5-6 दिन पहले फरियादी आया था अपना मनोज परमार, उसने बताया था कि उसके साथ मारपीट की गई है और उस मारपीट में टाटा चौराहे पे मारपीट में शुभम चंद्रावत नाम के व्यक्ति ने उसके साथ मारपीट करके हाथ में फ्रैक्चर किया है। इस पर अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार करके कल चालान पेश हुआ है 5 तारीख को, और कल शाम को पुनः जो शुभम चंद्रावत और उसका साथी आशीष उर्फ आशु चौधरी, ये कालानी बाग में रहता है, ये दोनों उसके घर पे गए थे फरियादी के घर पे, और मनोज परमार के साथ कल उन्होंने फिर से विवाद करा और गाली वगैरह बककर चमकाया कि मेरे पैसे जल्दी लौटा दो, नहीं तो मैं ये करूँगा, आपको परेशान करूँगा और बिल्कुल मेरे को ब्याज समेत इतना पैसा चाहिए, पेनल्टी चाहिए। इस पर कल फिर आकर, चूँकि अभी अभियान चल रहा है ऑपरेशन वज्र का, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन वज्र के तहत इस प्रकरण को लिया जाकर और फरियादी मनोज परमार की रिपोर्ट पर आरोपी शुभम चंद्रावत और आशीष चौधरी के खिलाफ जो है सूदखोरी का एक प्रकरण दर्ज किया गया जिसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।